दोस्तों आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन काफी भीड़ में लोग आते हैं और संगम में स्नान करते हैं और हम भी नहाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने गाड़ी अपनी पार कर दी है पीछे और गाड़ी पार करने के बाद चल रहे हैं नहाने। हम पहुंच जाए हैं लगभग संगम के एंट्री गेट पे। आप देख सकते हैं नीचे गंगा नदी और काफी लोग आ जा रहे हैं और उस साइड से गंगा नदी आती है। अभी ये बोर्ड लिखा हुआ कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अंदर एंट्री करने वाले दोस्तों अभी हम बैठे हैं यमुना नदी के किनारे। अभी हम लोग जाएंगे संगम के स्नान के लिए नाव से बैठ के। नाव से जाएंगे तो ही संगम का स्नान कर पाएंगे क्योंकि गंगा यमुना का मिलन जो है बीच में हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं भैया पंछी का दाना बेच रहे हैं, 10 रुपए में एक दे रहे हैं और ये हमारे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ पक्षी हैं। ये साइबेरिया से पक्षी आते हैं ठंडी के मौसम में और यहाँ संगम में जब आते हैं तो लोग इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये भी बहुत दूर से आते हैं। अरे भाई ये जो हम लोग को नाव से लिवा आया है यहाँ पे, ये गंगा नदी के बारे में और संगम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। भैया आप नाव कब से चला रहे हैं यहाँ पे? हम ये नाव 2016 से चला रहे हैं जो कि काफी शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा। काफी पब्लिक लोग यहाँ पे आते हैं, हम सब भैया लोग जैसे आप सब भैया हो काफी लोग आते हैं, काफी प्यार देते हैं। हम भी सब यहाँ से जितना होता है उतना सेवा करते हैं। विदेशी भी आते हैं यहाँ पे? हाँ भी सर, यहाँ पे विदेशी काफी, जहाँ कहते हैं संसार पूरा, पूरे संसार के लोग ये यहाँ पे आते हैं सर। अच्छा, और यहाँ पे बीच में क्यों नहाने लोग आ रहे हैं नदी के? ये कहते हैं मिलान तीनों, गंगा मैया का सरस्वती मैया का मिलान तीनों बीच में ही हुआ है, वरना लोग जमीन पे ही भी नहा सकते हैं। अच्छा, ये नाव से यानी कि तीनों नदी में नहा रहे हैं तो नाव से आना पड़ेगा? जी नाव से आना पड़ता है। हम सब निषाद भाई भी बैठे रहते हैं, आप सबके वेट करते, मतलब आप सबको देखते हुए हमारा सबका भी पेट चलता है। आप सब भाई लोग से, अरे भाई आपकी वजह से तो लोग यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं तीनों नदियों का? नहीं भैया, जो आते हैं बड़े बड़े को भी दर्शन होता है, छोटे छोटों को भी दर्शन होता है, यहाँ कोई नाराज होकर नहीं जाता है भैया। अच्छा, अभी आप ये जो शीतल जल देख रही हैं, अभी आप वहाँ पे जूम करके दिखाइए, जो शीतल जल देख रहे हैं सर, ये माता यमुना जी हैं। ये माता यमुना जी हैं जो कि ये दिल्ली आगरा मथुरा वृंदावन होते हुए माता यमुना जी इधर से बहती हुई चली आ रही हैं। ये यहाँ नाम चलता है तीन बहनों का, जो कहते हैं यहाँ माता गंगोत्री नदी है, माता जमुनोत्री नदी और सरस्वती माता है। यहाँ नाम चलती है तीनों बहन का, लेकिन दिखाई देती है दो ही बहन। तो भैया एक नदी कहाँ गई? एक नदी ये आपकी ये जो किला देख रहे हैं, ये किले के अंदर से अंतर्वाहिनी है, ये माता सरस्वती है। अभी सर यहाँ पे नामों चलता है तीनों बहन का, लेकिन दिखाई देती है दो ही, जो कि गंगा और यमुना जी, जो सरस्वती माता होती है वो अंतर्वाहिनी। जैसे कोई लेडीज पीछे बाल बांधती है तो तीन चोटी बाल करके बांधती है, लेकिन दिखाई देता है दो ही। ऐसे नाम होता है तीनों बहन का, लेकिन यहाँ नाम चलता है दो ही बहन का, जो की माँ गंगोत्री नदी। यहाँ कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी सर। हाँ सर, ठीक। हमारा शुभ नाम सर राहुल कुमार निषाद, हम प्रयागराज के क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा भैया, हाँ अभी आपको देखिए, जैसे कहते हैं दूध और पानी मिला दोगे मिक्स हो जाएगा, लेकिन आप ये कलर देख लेना, ये कलर बस पहुंचने वाले हैं ये त्रिवेणी संगम में। बोले गंगा मैया की जय, बोले यमुना माता की जय, बोले सरस्वती माता की जय। ये देखिए ये जो आप उधर देख रहे हैं माता गंगोत्री नदी है, ये जो हरा हरा देख रहे हैं माता, ये यमुना मैया है जो सरस्वती है, इनके अंतर्वाहिनी है। ये यही नाम है, पर यही तीनों त्रिवेणी संगम कहा जाता है सर। जितने हमारे लोग हैं भैया इसी को दर्शन करने के लिए आते हैं सर। अभी ये देख रहे हैं जितने यहाँ देख रहे हैं भैया, ये पब्लिक यहीं पे नहाते हैं धोते हैं यहीं पे, सब बढ़िया व्यवस्था किए गए हैं हमारे निषाद भाई लोगों, जितने हमारे लोग हैं भैया। यहाँ पे कहते हैं भैया माता गंगोत्री नदी में जो भी लोग आते हैं श्रद्धा भक्ति से भैया स्नान करते हैं, जो जिनका जाव होता है भैया दान भी करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो भैया 1 रुपया कमाओ तो 20 पैसा दान में लिखा रहता है हर इंसान को। वैसे हमारे जितने भाई बंद देख रहे हैं सब स्नान हो रहा है भैया सबका, जितने भाई बंद देख रहे हैं सबका स्नान हो रहा है सर।
दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गंगा यमुना सरस्वती नदी के मिलन के पास। आप देख सकते हैं काफी मात्रा में यहाँ लोग नदी के बीच में नहाने के लिए आए हुए हैं। हम भी यहाँ पे आए हुए हैं, अभी स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर आगे जाएंगे। अभी हम लोग संगम में स्नान करने के बाद जा रहे हैं नदी के किनारे, जहाँ पे हम लोग उतरेंगे नाव से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है। दोस्तों ये अपना भाई है जो हम लोग को संगम का पूरा दर्शन कराया नाव से। भाई आपको हम लोग के साथ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, आपके साथ भी, आप हमारे साथ, आपको कैसा लगा सर? भाई बहुत अच्छा लगा। अगर आपको, अगर किसी को भी अगर संगम का दर्शन करना हो तो भाई के साथ जरूर आए। मुझे अपना नाम बताइए। हमारा नाम सर शुभ नेम सर, हमारा नाम राहुल कुमार निषाद है। ये आपको मिलेंगे यमुना घाट पे मिलेंगे आपको जी। किला पास हमेशा आ जाइए कभी भी, कोई भैया गरीब से अमीर से सब जितने लोग हैं सबका।